हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज का दिन भी बहुत अच्छा गया था। कल हम लोगों ने जो मार्केट में डिस्कशन करी थी वो यही करी थी कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश ही रहने वाला है, जिस तरीके से हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखने को मिल रहा था कि कहीं पर भी पुट राइटर्स नहीं थे, सारे ऑल राइटर्स एक्टिव थे और मार्केट स्लाइटली बियरिश ऑन टेक्निकल एनालिसिस भी हमें देखने को मिल रही थी और एग्जैक्टली वैसा हुआ। बट पूरे दिन हम लोगों ने सेल साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बट इन दी एंड हम लोगों को एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिली बिल्कुल सिंपल एनालिसिस से, जो मैं पास्ट फ्यू वीक से आप लोगों को दिखा रहा हूं करते हुए। सो आई विल शो यू इन दिस वीडियो एज वेल। और अगर आप उसे चेकआउट करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो दो बार हम लोगों ने बैंक निफ्टी में वहां पर ट्रेड लिया था और अच्छा हम लोगों को प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पर आप लोगों को कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड करे हैं, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। डोंट वरी, ये कुछ स्टॉक्स मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा किस पे हम लोग कल या पूरा हफ्ता ये जो हमारा है उस पे ट्रेड लेकर चल सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जो मैं स्विंग ट्रेड देता हूँ, होता जनरली ये है कि वो शायद कल ना चले, बट मोस्ट प्रोबेबली परसों या तरसों चल सकते हैं। तो ट्राई कि उसे अपनी वॉचलिस्ट के अंदर ऐड करो, जैसी मोमेंटम आए उस पर आप अपना ट्रेड ले सकते हो। तो चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ, देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है और ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या कह रहा है। तो गाइस, हमारा सबसे पहला स्टॉक है SIS लिमिटेड। सिस लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक मैंने बहुत पहले भी आपको दिया था, अराउंड इसी लेवल से थोड़ा सा नीचे दिया था, अराउंड 520 के आसपास। अभी ये ट्रेड कर रहा है 550 रुपीज़ के आसपास एंड आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये 530-535 के आसपास ये आपको प्रोवाइड भी करवाया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, जब से स्टॉक का एक लाइफ टाइम हाई क्रिएट हुआ है, एग्जैक्टली सारे हाई इसको कनेक्ट करते हैं और फाइनली इसका एक ब्रेकआउट हमें देखने को। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी मूवमेंट आने के बाद ये बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा और फाइनली उसके ऊपर जाके एक ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। अब लेट्स ओपन अ डेली टाइम फ्रेम। सो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं एक बहुत अच्छी मूवमेंट आई। एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा था जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था और उसके बाद नीचे आया। एग्जैक्टली इसी लेवल पे इसने रीटेस्ट लिया और यहाँ पर लेट मी शो यू, शायद अगर अभी हम लोगों को यहाँ पर दिख जाए। Yes, आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे कि exactly जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है वो इसी लेवल पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट ले रहा था और इसी लेवल से एक रिवर्सल हमें दोबारा देखने मिला। आई थिंक ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इसके अंदर हम लोग एक बेट लेकर चल सकते हैं। और टारगेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 70-80 पॉइंट्स ये इजिली दे सकता है आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर। तो स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर आप लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक। सो गाइज, मेरा दूसरा स्टॉक है रिलायंस। और इसको बताने से पहले डेफिनेटली गाइज प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज 8 बजे वहां पर आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाला होगा। और जब तक ये वीडियो होगी अपलोड तब तक उससे पहले तो हम टेलीग्राम पे अपडेट दे भी देंगे। हम अपना एक सेकेंड प्लान लॉन्च कर रहे हैं जो हम लोगों ने एक साल पहले लॉन्च करा था और उसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप टेलीग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और एक मैं डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी यहाँ पर डेफिनेटली बना दूंगा। बात करते हैं रिलायंस की। तो अगर आप देखेंगे एक सिंपल रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन को फोकस करना, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस इसी लेवल पे था, इसी लेवल के नीचे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, एक रैली बहुत अच्छी आई एंड उसके बाद जाके यहाँ पर ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया एट दिस पर्टिकुलर लेवल। रिसेंटली अभी इसने एक डबल बॉटम भी क्रिएट करा है, अगर आप चेकआउट करोगे एक डबल बॉटम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बियरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को भी नहीं मिल रहा रिलायंस के RSI के अंदर। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक बाय सेटअप लेकर चल सकते हैं। अब बात आती है कि बाय करना कहाँ पर है, तो ऑन अर्ली टाइम फ्रेम चलते हैं एंड यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अच्छी ट्रेंड लाइन का भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है। इसके अलावा अगर आप इस सिस्टम को समझेंगे कि कैंडल की मूवमेंट को, पहले कैंडल्स बड़ी थी उसके बाद छोटी होती रही, एक पुल बैक दिया, अगेन एक बड़ी फॉल आई, ये बियरिश कैंडल देख रहे हैं एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के नीचे गई और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर, तो यानी यहाँ पर एक बियरिश ट्रैप हमें देखने को मिला, बियर ट्रैप देखने को मिला एंड उसके बाद से कंटिन्यूस रैली हमें देखने को मिली है। सो डेफिनेटली गाइस, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके अंदर हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। सबसे पहले टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट आता है ऑलमोस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि 2375 का है और नेक्स्ट टारगेट हम अपने प्रीवियस हाईस को भी लेकर चल सकते हैं, दैट इज 2400 रुपीज का। ये तो हमारा दूसरा स्टॉक, अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की। तो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है राणा शुगर। राणा शुगर अगर आप सारे भी शुगर सेक्टर को पूरा देखोगे तो वो बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं एंड उनकी रैली भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही थी। अब ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक पे क्यों फोकस है, एक बहुत अच्छी रैली देने के बाद ये एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेस पे गया, फाइनली इसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रीटेस्ट एट इट्स ब्रेकआउट लेवल ये दोबारा अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज करा, जिस लेवल पे ये 2 हफ्ते तक कंसोलिडेट करते रहा।
एंड अब आई पर्सनली थिंक कि अपने प्रीवियस हाइस तक तो मिनिमम जा सकता है जो कि इसका 38 रुपीज का लेवल है, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है और इसके ऊपर एक हफ्ता भी क्लोजिंग देता है, एक बड़ी रैली हमें दोबारा देखने को मिल सकती है। सो एक बार ओपन करते हो ना मंथली टाइम फ्रेम, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो सबसे ये वाली जो रेडलाइन देख रहे हैं एग्जैक्टली 2005 से हम देख रहे थे, इसके ऊपर एक बार भी नहीं गया था, एक ही कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी एंड आफ्टर दैट हम लोगों को एक बहुत बड़ी फॉल दोबारा देखने को मिली। अब नाउ इट्स ट्राइंग इट अगेन टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल, और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो डेफिनेटली गाइस ये 50 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस स्टॉक एज वेल, क्योंकि ये हम लोगों को बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम पे भी दे सकता है अगर इसका ब्रेकआउट सस्टेन होता है। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कैसे हम लोगों ने आज ट्रेड सेटअप्स लिए थे और ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या दिखा। तो हम लोगों ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने इस लेवल पे कल बात करी थी और हमारा कल डिस्कशन ये था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 17,000 तक इजिली जा सकता है जो कि ये लेवल है, और हमारा जो डिस्कशन ये था कि कल अगर एक गैप अप ऊपर नहीं होता वो आधा घंटा भी सस्टेन नहीं करता तो डेफिनेटली गाइस एक बड़ी फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट 17,000 के आसपास का हो सकता है और उसका जो लो था 17,050 था। आई थिंक ऑलमोस्ट टारगेट आ ही गया था, बट अगर आप लोगों ने तब भी अचीव नहीं करा डोंट वरी, डेफिनेटली हमें आगे और मौके मिल सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो कल एक गैप अप ओपनिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली और उसके बाद सस्टेन नहीं करे, क्रिएटेड अ डबल टॉप, एक बड़ी फॉल आई, एग्जैक्टली इसी लेवल पे दोबारा रेजिस्टेंस लिया, दोबारा एक बड़ी फॉल आई। बट निफ्टी में हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया बिकॉज निफ्टी में हमें ज्यादा बड़े परस्पेक्टिव नहीं देखने को मिल रहे थे, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं थी, तो इस पर फिलहाल हम लोग अभी भी बड़े ट्रेड्स नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है क्योंकि आप देखेंगे एक बड़ी फॉल के बाद एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट आया, नाउ इट्स गिविंग अ रीटेस्ट एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो अगर इसके अंदर एक बड़ी अपमूव आती है और इस लेवल के ऊपर ये जो एक फेस अभी माइनर रेजिस्टेंस है इसको अगर ये जो फेस कर रही है ऊपर निकल जाता है, दैट इज 17,300 रुपीज का लेवल, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक मूव दे सकता है। बट बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ क्लब करके देखेंगे कि हम लोग किस तरफ डायरेक्शन मूवमेंट पे जा सकते हैं। सो गाइस हम लोगों ने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, अगर आप इस जोन को देखोगे जहां पर एक बहुत बढ़िया हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, सो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी रैली के बाद एग्जैक्टली एक बड़ा गैप डाउन आया, इसी लेवल पे पॉज लिया और अगेन एक बड़ी रैली देखने को मिली, उसके बाद यहीं पर ही इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्रिएट करा था जिसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था और इसके नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं करा था, फाइनली दोबारा इसी लेवल पे आया और हमारी बात भी यही हो रही थी कि 37,300 या 400 तक आ सकता है और 400 तक ही हमें देखने को इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, 350 तक ही ऑलमोस्ट आया था। अब आज हम लोगों ने ट्रेड कैसे लिया, हमें पता चल गया था एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है और उसके बाद एक बड़ी फॉल आने के बाद एक सिंपल वी शेप रिकवरी, एज यू कैन सी इट हियर एक बहुत अच्छी वी शेप रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद एक बड़ी कैंडल्स बनाते बनाते फॉल आया और एग्जैक्टली आप अगर आपको पता होगा फिबोनाची के बारे में जिसमें हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं कि 50 और 61% पे अगर कोई भी स्टॉक पॉज लेता है और वहां से अपमूव देना स्टार्ट करता है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दैट स्टॉक, इसी लेवल पे हम लोगों ने पहला ट्रेड दिया था 37,700 पे, ऑलमोस्ट गया था 37,900, 200 पॉइंट की रैली दी थी, आफ्टर दैट अगेन एक फॉल आया, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हम लोगों ने दोबारा सजेस्ट करा था और उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल से 37,730 रुपीज से ऑलमोस्ट 38,130 तक गया था, सो 400 पॉइंट की रैली दोबारा देकर गया था। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बढ़िया चल रही है, हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हमें पूरे दिन मार्केट के अंदर काम नहीं करना, हमें सिर्फ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और उसमें हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सो आई होप अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं हो तो आप टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो, और इसी से रिलेटेड हमारा 8 बजे एक प्लान आने वाला है जिसपे आई पर्सनली थिंक कि अगर आप एक वर्किंग क्लास हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो डेफिनेटली गाइस और मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, सो इसी के थ्रू हम एक प्लान लॉन्च कर रहे हैं जिसके थ्रू आपकी मदद होती रहेगी। सो लेट्स सी अब इसके अंदर करना क्या है, तो सबसे पहली चीज जो हमें फोकस रखनी है कि फॉल जो आया है वो एग्जैक्टली इसी लेवल से आया, तो एक बड़ी फॉल आई उसके बाद एक पुल बैक दिया, अगेन एक बड़ी फॉल आई, इस लेवल को अभी तक इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है, तो हमारे लिए अब दो चीजें हैं, जो पहली चीज है वो तो ये एक सपोर्ट बन चुका है, इसको हटा देते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट एक बुलिश फेज के अंदर जा चुकी है, ये एक छोटा सा रिस्की ट्रेड था और ये एक ऐसा इंट्राडे ट्रेड था, कुछ मिनट्स का ट्रेड था तो इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, बट अगर आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है तो ये इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, या जो एक इस लेवल पे डबल बॉटम टाइप ऑफ सिचुएशन क्रिएट करके सपोर्ट लिया है या इसके नीचे है,
अब यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटीज आती है, क्या इस रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ये आपको इसके थ्रू समझाना इम्पॉसिबल है। जब तक मार्केट लाइव ट्रेडिंग नहीं हो रही होगी तब तक वहां पर आपको बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा कैसे कैंडल्स बन रही है, क्या सिचुएशन हो रही है, क्या साइकोलॉजी का यूज हो रहा है, तो वो आपको टेलीग्राम पे हम लोग रिकमेंड ऑलरेडी कर देंगे। अब यहाँ पर जैसी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अब एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ और देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों को मूवमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है, एंड इस वीडियो को एंड करते हैं। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10th और 5th की एक्सपायरी है। सबसे बड़ा जो कॉल राइटर्स एक्टिव है वो एक्टिव है 17,300 रुपीज पे, और पुट राइटर्स डेफिनेटली एक्टिव हुए, एक जगह सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो हम एक चीज़ तो मान के चल सकते हैं कि जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो एक रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा था शायद वो फुलफिल हो सकता है। बट रिमेंबर दैट कि अभी जो ट्रेड कर रहा है निफ्टी वो 17,270 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और हैवी कॉल राइटर्स भी उसी के पास एक्टिव है। तो अगर 50 रुपये भी ऊपर खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 60 रुपये ऊपर खुलता है तो भी कोई नहीं है। बट ये याद रखना कि 17,300 पे अगर कॉल राइटर्स एक्टिव है तो 30 रुपये ऊपर यानी कि 17,330 तक कॉल राइटर्स पूरा पुश करेंगे निफ्टी को नीचे लेकर जाने में। तो हम लोग बाय निफ्टी को तभी करेंगे जब 17,330 का जो लेवल है उसके ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन करें, और तब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा और उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, 17,100 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, यही हमारा लो था ऑलमोस्ट इसी के आसपास का, तो शायद ये ब्रेक ना हो तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। बट ब्रेकआउट होगा 17,330 के ऊपर और ब्रेकडाउन होगा 17,100 के नीचे, जो कि इम्पॉसिबल अभी एक दिन के अंदर हमें देखने को लग रहा है। बैंक निफ्टी को एक बार अगर हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हेवी कॉल राइटर्स 38,000 में एक्टिव है और एग्जैक्टली क्लोजिंग भी उसी तरफ है। सो कल गैप अप और गैप डाउन डिटरमाइन कर लेगा कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से होने वाली है। हमारी बात क्या हुई थी, हमारी बात हुई थी कि अगर 38,000 के ऊपर गैप अप, कल गैप अप होता है और 15 मिनट गैप अप सस्टेन करता है, गैप अप इन द सेंस 50 या 100 रुपए का गैप अप होता है, तो सबसे पहली बात जो कॉल राइटर्स 38,000 के अंदर एक्टिव है कल के अगले दिन एक्सपायरी है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत लॉस होने स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होंगे, कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे, वो 38,100 पे अगर ट्रेड कर रहा होगा 100 रुपये ऊपर गैप अप तो वो पुश करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो डेफिनेटली वही हमारे लिए उस दिन का रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक हाई क्रिएट हो जाएगा और वहां से मार्केट नीचे ही फॉल करेगी। बट अगर वो सस्टेन कर गया 15 मिनट तक भी उसका एक जो गैप अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली कल एक रैली भी हमें देखने को मिल सकती है, और जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड करा था तो उस लेवल के ऊपर हम अपना एक बाय सेटअप भी जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कहीं पर भी हैवी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स एक्टिव नहीं है रैदर देन 38,000, तो ये मेक और ब्रेक इवन लेवल है। कल गैप अप गैप डाउन ही डिसाइड करेगा इस पर कहाँ ट्रेड करना है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक ट्रेड लिया है रिसेंटली एटम यूएसडीटी के अंदर, ये हमारा क्रिप्टो है तो मैं जनरली इसी पे थोड़े बहुत ट्रेड्स ले रहा हूँ, मजाक वजाक कर रहा हूँ, तो इस पे हम लोग मार्केट के अंदर तो आपको पता है मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ट्रेड्स ले रखे हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपको भी चाहते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर क्रिप्टो के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, गो एंड ट्राई। 1,000 रुपये से भी आप फ्यूचर का एक लॉट बाय कर सकते हो, बिटकॉइन तक का भी बाय कर सकते हो, एंड पर्सनली थिंक कि एक बार आपको ये ट्राई करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट वर्क करती है। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द इंस्टाग्राम चैनल, बिकॉज वहां पर बहुत सारी रील्स आ रही है आपको एजुकेट करने के लिए। इसके अलावा कंटेंट भी बहुत अच्छा पोस्ट हो रहा है जिससे आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड की नॉलेज है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, एंड गो एंड जॉइन दिस। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, बाय बाय।